आगरा में स्थित श्रीराम सेंटेनियल स्कूल में चल रहे 10 दिवसीय समर कैंप का आज समापन हुआ। समर कैंप में स्कूल के बच्चों ने डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैथ, ड्रामेटिक आदि विषयों में प्रशिक्षण लिया। मैं डॉक्टर वंदना घोष, प्रिंसिपल श्रीराम सेंटेनियल स्कूल आगरा। मैम यहाँ पर क्या कोर्स सिखाए जा रहे हैं? यहाँ पे अभी समर कैंप चल रहा था, 10 डेज का समर कैंप था जिसका आज लास्ट डे था। तो समर कैंप का ये आइडिया होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने सिलेबस के अलावा यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो गेम्स हों, स्विमिंग हो, बैडमिंटन, स्क्वाश, टेनिस या डांसिंग हो, सारे बच्चे नर्सरी से क्लास 8 तक के लिए था बेसिकली, और या आर्ट एंड क्राफ्ट हो कोई, तो उसमें सिंगिंग है और अगर का स्पोकन इंग्लिश था, हैंड राइटिंग थी और स्पोकन और क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट के मैथ, हाँ मैथ निंजाज था, ड्रामेटिक्स था, छोटे छोटे प्लेस बच्चों ने तैयार करे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो थी ये 10 दिन के समर कैंप में अलग अलग टीचर्स ने होल्ड करा, जिससे कि पता चले कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह का है। नॉर्मली तो जब नॉर्मल स्कूल चलता है तो पढ़ाई होती रहती है, तो उसमें तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन ये टाइम होता है जो बच्चों के मतलब पढ़ाई का बर्डन नहीं है और वो लोग बिल्कुल फ्री है। मैम आपका नाम? मैम आप टीचर हैं? मैम बच्चों को क्या सिखाया है कब से? सर बच्चों को मैं आम एक्शन, फेयर ऑफ वाटर, किकिंग, ये फ्लोटिंग वगैरह सारा ये सिखाया हुआ है क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक। क्लास 12 तक? मैम कितने दिन? ATN TV India की रिपोर्ट।